सितंबर 1996 जब प्रधानमंत्री थे एचडी देवे गौड़ा, वो 81st अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कहा गया कि औरतों को 1/3 रिजर्वेशन मिले पार्लियामेंट में। अब तक पिछले 2 दशकों के कंपैरिजन में चीजें बहुत बदल चुकी थी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कई मेंबर्स प्रोटेस्ट करते हैं ओबीसी औरतों के रिजर्वेशन को लेकर। उमा भारती उस वक्त एक एमपी थी खजुराहो से, वो डिमांड करती है कि रिजर्वेशन दी जाए बैकवर्ड कास्ट औरतों को भी। प्रधानमंत्री देवे गौड़ा एक मीटिंग बुलाते हैं देश की सारी पार्टीज के लीडर्स की। उसके बाद इस बिल को भेज दिया जाता है एक सेलेक्ट कमेटी के पास। इस कमेटी में कई बड़े बड़े नाम इंक्लूडेड थे, इंक्लूडिंग शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उमा भारती और लेट सुषमा स्वराज। इस कमेटी को हेड कर रही थी सीपीआई की लीडर गीता मुखर्जी, इसलिए इसे गीता मुखर्जी रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये कमेटी कहती है कि एससी एसटी कोटा के अंदर औरतों के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं, लेकिन ओबीसी औरतों के लिए नहीं, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है।